सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सॉफ्टवेयर अपडेट्स दोस्तों, आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए। मैं आपसे क्लियरली बात करने वाला हूं कि कितनी खराब ये सिचुएशन हो चुकी है और कैसे स्मार्टफोन कंपनीज पूरी अपनी मनमानी कर रही है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, नया फोन लिया, बहुत खुश हुए, बहुत मजा आया और ऐसे में काफी सारे फीचर्स को हमने एंजॉय भी किया, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे एक्सपीरियंस की तो यार देखो, सॉफ्टवेयर एक मेजर रोल प्ले करता है आज की डेट में स्मार्टफोन्स की। जब हम बात करते हैं, मतलब आज ना आपने एक सिंपल सा एक आइटम ले लिया, आपने घर में रख दिया, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आपने ठीक है लिया, आप उसको देख रहे हो, वो वैसे का वैसा ही है। लेकिन जहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे इन स्मार्ट डिवाइसेस की, सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आई मीन आप जानते हैं यार हालत क्या हो रही है, मेरे को आपके जो रोजाना इतने ईमेल्स आते हैं, जितने ट्वीट्स जो है वो हम देखते हैं, मतलब लगता है कि यार आई मीन क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है। मतलब एक टाइम था जब पहले अपडेट्स वगैरह इतने खास कुछ हुआ नहीं करते थे, जब से हम बात कर रहे हैं हमारे स्मार्टफोन्स की ना, एंड्रॉयड iOS वगैरह, तो मतलब एक रेगुलर अपडेट होना फ़ोन में कहीं ना कहीं फीचर्स को ऐड करता है, सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉमिस तो बहुत किए जाते हैं कई बार कि 2 साल तक अपडेट्स, 3 साल तक अपडेट्स, 4 साल तक ये, 5 साल तक ये, एक्चुअल में क्या होता है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है। बहुत बार प्रॉमिस करते हैं ना कि इस साल के एंड तक अपडेट आ जाएगा, फिर अपडेट पता नहीं कब जाके आता है। मतलब एक तो वो खैर सिस्टम चल रहा है वो तो चलो छोड़ दो, अभी जो मेन इशू चल रहा है वो है भैया अपडेट्स की क्वालिटी का। अच्छे भले फ़ोन का बिल्कुल काम तमाम कर देते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स कई बार, और यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो कभी कभार ठीक है चलो गलती हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन अक्सर जानबूझ के ये काम करती हैं। मतलब हम कस्टमर बने, हमने पैसा दिया, हमने ट्रस्ट किया, हम इस ब्रांड को जो है वो मतलब यू नो हर जगह जाते, फ्रेंड्स को जाते हैं, बोलते हैं देखो मेरा नया फ़ोन है, ये बहुत बढ़िया ये वो, और हमारे साथ में धोखा जहाँ पे हमें मिलते हैं बहुत ज़्यादा आई मीन बग्स से भरे हुए अपडेट्स। हमारी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। आप में से काफ़ी यू नो व्यूअर्स जो हैं यार, आप खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, अच्छा भला फ़ोन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें, अचानक से एक अपडेट आया, फ़ोन के अंदर हीटिंग इश्यूज आ गए, अचानक से एक अपडेट आया, फ़ोन के अंदर जो है वो बैटरी इश्यूज आ गए, अचानक से एक अपडेट आया, फ़ोन में यू नो जो है वो और कुछ बग्स आ गए, आपका कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, फ़ोन के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक रीबूट्स हो रहे हैं, कई बार तो सिम काम नहीं करती, कई बार मदरबोर्ड फेल हो जाता है। अब क्योंकि वारंटी में नहीं है तो पैसा लगेगा। मतलब इतना सारा जो ये पूरा कचरा फैला है ना, एक तो इसमें कंपनीज का मेन जो फायदा है वो ये है कि नए नए फोन्स निकालने हैं, अभी आया 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 20, मतलब इतना ज़्यादा जो ये तेज़ी से नए नए मॉडल्स निकालते हैं, इनको सेल्स भी तो चाहिए। अभी ऐसे में अगर एक इंसान एक फ़ोन लेने के बाद 5 साल तक उसी फ़ोन को यूज़ करता रहेगा तो इनको सेल्स कहाँ से मिलेंगी? तो स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स देते हैं भैया, अगर देते हैं तो, फॉर दैट मैटर अगर एक नया फ़ोन लॉन्च होता है तो साल भर 6 महीने तो बहुत सही है। एक बार 1 साल से पूरा हो गया, देखो ना तो फ़ोन वारंटी में है, न वो फ़ोन जो है वो इतना कुछ खास उनके लिए किसी काम का बचा है, और लोगों को नए फ़ोन भी तो अपग्रेड करवाना है, तो अपडेट देंगे कुछ कुछ इश्यूज आ जाएंगे, कुछ कुछ बग्स आ जाएंगे। अब या तो आप जाके सर्विस सेंटर के चक्कर काटो तो वहाँ से पैसा कमाओ, नहीं तो नया फ़ोन लो। अब नया फ़ोन लोगे, अक्सर क्या होता है एक बार एक इंसान एक ब्रांड में आ गया तो वो चेंज इतने आसानी से नहीं कर पाता, बिकॉज उसको आदत लग जाती है उस UI की, उस सॉफ्टवेयर की, तो वो कोशिश करता है कि वो उसी ब्रांड का नया फ़ोन ले, यही तो चाहिए सबको। मतलब अच्छे भले फ़ोन के अंदर जहाँ पे कोई इशू नहीं है, अपडेट के थ्रू ब्लोटवेयर ऐड हो जाते हैं, अपडेट के थ्रू 50 चीज़ें खराब हो जाती हैं, प्रॉमिस जो है वो तो पूरे नहीं होते हैं, वो तो अलग बात है। मतलब यहाँ पर दोस्तों मेरे को लगा कि यार ऑनेस्टली बात करनी जरूरी है, और यहाँ पे किसी एक ब्रांड के बारे में बात नहीं है, सभी भाई भाई हैं यहाँ पे। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मोर और लेस मेजॉरिटी जो है वो आप जानते हैं कि यार किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है। प्रॉमिस तो बहुत बड़े हैं, विल गिव दिस विल गिव दैट, ये अपडेट वो अपडेट, वो खुद को नहीं पता उन्होंने कितने सारे मॉडल्स को लॉन्च करके रखा है, तो अपडेट किस में क्या देना है क्या नहीं देना है। एंड्रॉयड जब 13 आ जाएगा तब जाके एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलता है बड़ी मुश्किल से, वो भी तो मतलब बहुत बार यार ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आप ही के मेरे को आते हैं जब मैसेजेस ईमेल्स, तो सुन के बहुत बुरा लगता है यार। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए ना, जैसे कई बार कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसी होती है कि भैया कितना लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देना है, यू नो ब्रांड्स के ऊपर एक चेक होना चाहिए। ऐसे ही हाफ बेक्ड रैंडम पता नहीं क्या काम करती हैं टीम्स उनके जो भी है, मतलब हमारे ऊपर ही ट्रायल हो रहा है ना। मतलब आपका एक अच्छा वाला मेन स्मार्टफोन है और आप जानते हैं यार
आज के स्मार्टफोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। मतलब आपका हो सकता है उससे बिजनेस चलता हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो। एक तो आपने अपडेट किया ये सोच के कि भैया चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, उस चक्कर में आपका स्मार्टफोन अगर जो है वो खराब हो गया या आपको अगर सर्विस सेंटर में देना पड़ गया, बोलते हैं मदरबोर्ड चेंज कर दो, कैमरा चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब और फिर क्यों वारंटी में नहीं है, तो सारी गलती आपकी है भैया। वो ये तो मानेंगे नहीं ना कि इस अपडेट आने के बाद कुछ खराब हुआ है, वो तो बोलेंगे सर ये इशू है जो भी है। मतलब इतना ज़्यादा खराब मामला हो गया यार, तो आई थिंक गवर्नमेंट को अगर इसके अंदर कुछ एक चेक लेके आया जाए कि पहली बात तो गारंटीड सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, जो जो जैसे जैसे प्रॉमिस किया है उतना उतना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से कुछ खराब होता है तो वो तो कंपनी की जिम्मेदारी है ना यार। आपके लिए एक सिंपल सा दोस्तों मैसेज ये है, एक टाइम था जब मैं बोला करता था कि यार लेटेस्ट अपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर में अपडेट करके रखो ताकि आपको सिक्योरिटी अच्छी मिल जाए, फीचर्स आपको लेटेस्ट मिल जाए वगैरह वगैरह। लेकिन आज की डेट में अगर आप एक थोड़ा सा पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, अगर आपका फ़ोन जो है वो साल मतलब से ऊपर हो गया, अगर 1.5-2 साल पुराना फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो तो अपडेट ना ही करो तो बढ़िया है। क्योंकि मतलब अपडेट करो तो पहले देख समझ के करो कि भैया हाँ क्या यूज़र फीडबैक चल रहा है, फ़ोन के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ऑल गुड, तब जाके बेशक बाद में अपडेट करो। लेकिन हम सोचते हैं कि अच्छा चलो अच्छा हो गया, नया एंड्रॉयड 12 आ गया है, नया ये आ गया है, नया वो आ गया है, हमारा ही फ़ोन ख़राब हो जाएगा अच्छा वाला चलता हुआ। मतलब जो आप बोलते थे ना कई बार कि यार मेरा फ़ोन था सब कुछ सही चल रहा था, अपडेट किया उसके बाद से ऐसा हो गया, ये रोज़ आते हैं यार मेरे को। मतलब आई थिंक ये वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक आम आदमी तक पहुंचे और वो समझ के जो है वो उन अपडेट्स को नो इम्प्लीमेंट करे अपने फ़ोन में। नया नया फ़ोन है, अपडेट्स मिल रहे हैं, वेल एंड गुड। थोड़ा पुराना हो गया, वेट करो फिर अपडेट करो। और आई थिंक गवर्नमेंट का इसमें आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपनीज जान बूझ के एट टाइम्स अपने फ़ोन की परफॉर्मेंसेज को, कैमरा परफॉर्मेंस को, 50 चीज़ों को डिग्रेड करती हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को डिग्रेड करती हैं, ताकि मजबूरी में आके एकदम ऐसा मतलब नो कि लगे अब तो यार अपडेट करना ही पड़ेगा यार, फोन बहुत पुराना हो गया यार। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी यार। आई थिंक आप मेरी बात से एग्री करेंगे। आप मुझे बता नीचे कॉमेंट करते हुए कि आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम कभी भी फेस करनी पड़ी क्या, और अगर करनी पड़ी है कौन सा फ़ोन, कौन सा मॉडल, कौन सा अपडेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।